हाल ही में स्टार प्लस पर कभी कभी इत्तेफाक से नाम के शो ने दस्तक दी है। इस नए शो को शुरू हुए मुश्किल से 10 से 14 दिन ही बीते हैं कि शो पर बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर खतरे की बात सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए होंगे और मामले को जानना चाह रहे होंगे। तो आपको बता दें कि ये बड़ा खतरा है कोविड का। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से ये शो शुरू हुआ है तब से शो पर कोविड का ऐसा खतरा छाया है कि कोई ना कोई स्टार आए दिन कोविड की चपेट में आ रहा है। पहले डेलनाज ईरानी, फिर यामिनी सिंह कोविड की चपेट में आए और अब शो की लीड एक्ट्रेस येशा रुघानी ने शो से दूरी बना ली है, वो भी कोविड के कारण। जी हां, जहां एक तरफ अभी शो शुरू हुआ ही था तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही एपिसोड के बाद शो की लीड एक्ट्रेस येशा कोविड पॉजिटिव हो गई हैं, जिसके कारण मेकर्स को शो शुरू होने के कुछ ही एपिसोड के बाद इसके ट्रैक में अचानक से बदलाव करना पड़ा है। शो से जुड़े एक सूत्र ने ई टाइम्स को इस बारे में बताया है। येशा ने कल रात को कोविड टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया है। उनमें हल्के लक्षण हैं और वो होम क्वारंटाइन में है। चूंकि वर्तमान ट्रैक लीड पर केंद्रित है, इसलिए शो में उनकी एब्सेंस को बनाए रखने के लिए कहानी में फिलहाल टेम्पररी बदलाव किए गए हैं। वहीं शो के प्रोड्यूसर ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि येशा फिलहाल कोविड पॉजिटिव हैं और उनके कोरोना संक्रमित होने के बाद सेट को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है और फिलहाल वो घर पर क्वारंटीन है। वैसे भले ही शो की लीड एक्ट्रेस येशा फिलहाल कोविड की वजह से शो से दूर हो, लेकिन जैसे ही वो ठीक होंगी वो शो को फिर से ज्वाइन करेंगी। लेकिन जिस तरह से शो के शुरू होते ही आए दिन इसके स्टार्स कोविड की चपेट में आ रहे हैं, वो वाकई हैरान करने वाली बात है। लेकिन राहत की बात यह है कि सभी स्टार्स में कोविड के शुरुआती सिम्टम्स ही थे। आपको बता दें कि कभी कभी इत्तेफाक से शो बंगाली शो खोरकुतू का हिंदी रीमेक है। शो में येशा के अलावा मनन जोशी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। वेल, अब देखने वाली बात ये होगी कि येशा शो में ठीक होकर वापसी कब तक करती हैं और क्या उनकी शो से दूरी शो की टीआरपी में कोई असर तो नहीं डालने वाली।